आलू गोभी पनीर के पराठे कई बार बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आपने कभी भी शायद हरी मिर्च का पराठा नहीं बनाया होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। कभी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा ना लगे या मुंह का स्वाद खराब हो जाए तो तब आप इस टेस्टी से पराठे को बनाकर ज़रूर खाएं। पराठे बनाने के लिए मैंने 10 से 15 हरी मिर्च ली है, धो लिया है, इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और साथ ही एक चम्मच इसमें नमक डाल के इसको थोड़ा सा मोटा दरदरा पीस लेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो देखिए मिर्च पीस के तैयार हो चुकी है, इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। पराठा बनाने के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। अब पराठे के लिए जो मैंने आटा लगाया है ना, नॉर्मल रोटी के जैसे लगा के तैयार रखा हुआ है। इसमें तेल, घी, नमक कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल रोटी के जैसा आटा लगा के रखा हुआ है। इसका थोड़ा बड़े साइज़ का यानी कि पराठे के साइज़ का पेड़ा बना के इसकी बड़ी रोटी बेल लेते हैं। ऊपर थोड़ा सा घी तेल लगाएंगे, जो भी खाएं आप वो लगा लें। इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच हम मिर्च की स्टफिंग इसमें सारी रोटी पर अच्छे तरीके से फैला देंगे। मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो स्टफिंग कम लगाएं, मिर्च थोड़ी कम तीखी है तो आप 1 से 2 चम्मच लगाएं। बिल्कुल भी पराठा तीखा नहीं लगता है, काफ़ी मज़ेदार बनता है। फोल्ड करके ऊपर तेल घी लगा के फिर दूसरी साइड भी लगा के इसी तरीके से ऑयल, और हम इसे बेल लेते हैं सूखा आटा लगाकर। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है परांठे को। तवा गरम हो गया है, थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया है। परांठे को डालने के बाद एक साइड सेक लेंगे और दूसरी साइड पलट के ऊपर इसके हम घी लगाएंगे। चाहे आप इसे बटर से बनाएं, देसी घी से या फिर रिफाइंड ऑयल से, जैसे मर्जी बनाएं, पराठा खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो देखिए अच्छे से सेक लिया है मैंने इसको, अब निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा भी ऐसे ही सेक के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास था प्याज और खीरे वाला रायता, बहुत ही टेस्टी। मैंने कड़ी पत्ते का तड़का लगा के रायता बनाया है। इसकी वीडियो देखने के लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। तो मैं आपको परांठे को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर की स्टफिंग बहुत ही अच्छा बना है, परांठा एकदम लेयर वाला बना है, काफ़ी टेस्टी लगता है, मज़ेदार लगता है, आपके मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एक बार ज़रूर बनाएं हरी मिर्च का पराठा। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।